नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष जो है लगातार अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। अब वो अपनी चुनावी रैलियों के दौरान कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार 1 करोड़ नौकरी वो देंगे और 5 किलो अनाज की जगह वो 10 किलो अनाज फ्री देंगे, साथ में वो 400 रुपये गैस भी देंगे। अब देखिए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव अपना चुनावी रैलियों के दौरान अपनी बातें रख रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि ये महंगाई से वो छुटकारा दिलाएंगे, रोजगार पे वो बात कर रहे हैं कि रोजगार दिलाएंगे 1 करोड़ जो युवा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते नजर आए, जहाँ पर वो कहे बोले कि माहौल एकदम टनाटन है ना, बीजेपी हो जाएगी सफाचट और इस बार 1 करोड़ रोजगार मिलेगा फटाफट। तो पहले आप ये वीडियो देखिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। तो माहौल एकदम टनाटन है ना, हम टनाटन टनाटन टनाटन, 1 करोड़ नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, और महिलाओं के खाता में 1 लाख रुपया खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी का हो रही है सफाचट सफाचट सफाचट। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी कहा है उन्होंने, और कहा है कि किसानों के अनाज के लिए MSP की गारंटी मिलेगी। इस बीच तेजस्वी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर भी पोस्ट करते हुए एक वीडियो शेयर किया, जो कि हमने आपको दिखाया कि उस वीडियो में उन्होंने शेयर किया है और लिखा भी है कि माहौल है एकदम टनाटन टनाटन टनाटन, बीजेपी हो गई है सफाचट सफाचट सफाचट, महिलाओं को 1 लाख रुपया मिलेगा खटाखट खटाखट, 1 करोड़ नौकरियां मिलेगी फटाफट फटाफट फटाफट, इंडिया गठबंधन पर वोट पड़ रहा ठकाठक ठकाठक। अब देखिए, तेजस्वी यादव का ट्वीट है, साथ में उन्होंने कहा कि इससे पहले एक चुनावी सभा के दौरान तेजस्वी ने कहा कि संविदा और आउटसोर्सिंग के नाम पर बेरोजगारों को ठगा जा रहा है, अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो ममता आशा रसोई सहित अन्य संविदा कर्मियों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की NDA सरकार ने गरीबों को ठगने का कार्य किया है, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, आदिवासियों को उनके वन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, आदिवासी क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, सरकार बनने पर आदिवासियों को जंगल बालू आदि पर उनका अधिकार होगा। आपको बता दें कि वही दूसरी ओर राज्य के डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि चुनाव के नतीजों की आहट से अब विपक्षी गठबंधन के नेताओं के दम फूलने लगे हैं। अब तक पहुंच 5 चरणों के चुनाव में जनता ने जाति मजहब और क्षेत्र की सीमाओं को तोड़कर जिस तरह से मोदी जी की गारंटी को गले लगाया, उसे देखकर उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। अब देखिए, लोकसभा चुनाव के बीच जिस तरीके से महागठबंधन की तरफ से बिहार में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ उनके साथ VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी नजर आ रहे हैं। अब इन ये लोग मिलकर खूब ताबड़तोड़ रैलियां भी कर रहे हैं, जनसभाएं भी कर रहे हैं, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांग रहे हैं और लोगों के बीच अपनी बात भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक जो 5 चरण का चुनाव हुए उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही मुद्दा रहा, बेरोजगारी गरीबी और महंगाई, ये सब को लेकर इस बार तेजस्वी यादव खूब निशाना साध रहे हैं। तो देखिए इस लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता है, क्योंकि माहौल तो काफ़ी बदलते नजर आ रहा है, प्रधानमंत्री भी लगातार बिहार के दौरे पर है। तो ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द बिहार टॉप।